हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, से मैं बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ, साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पीए कंपैरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न का शेयर बाय चार्ट हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया कंपनी की बात की जाए, कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए, कंपनी जो है एनर्जी सेक्टर में काम करती है। कंपनी के जो वर्क देखे जाए, ऐसे पांच अलग अलग सेगमेंट है कंपनी के जिसमें कंपनी काम करती है। पहला जो है कंपनी का वो कौन सा सेगमेंट है, पहला कंपनी क्या है, सिलेंडर जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। नेक्स्ट जो कंपनी का देखा है वो है कंपनी क्या है, पैकेजिंग का काम करती है एलपीजी सिलेंडर का। थर्ड वन कंपनी का आता है, कंपनी जो है ऑटो एलपीजी डिस्पेंसिंग का काम करती है। एंड फोर्थ वन जो है एलपीजी बॉटलिंग का काम करती है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड फिफ्थ वन जो मैंने आपको पांच जो सेगमेंट बताया कंपनी का, पहले ये चार सेगमेंट ही थे जिसमें कंपनी काम करती थी, बट हाल ही में अगर देखा है 2022 के हिसाब से अगर देखे तो एक न्यूज आया था कि जो कंपनी है कॉन्फिडेंस पेट्रोल कंपनी, इसने जो 75% का जो स्टेक इसने एक्वायर किया, किसमें, सरजू इंपैक्ट्स एलटीडी जो कंपनी है, इसमें कंपनी 75% का स्टेक एक्वायर किया था, जिसके कारण कंपनी क्या है सीएनजी सिलेंडर में भी कंपनी काम करती है। सो कंपनी बेसिकली देखा पांच सेगमेंट में काम करती कंपनी। एंड कंपनी के खुद के जो ब्रांड्स जो हैं, जिसके लाइक अगर आप एलपीजी का जो गैस का सिलेंडर होता है अगर आप देखेंगे तो उस पर लाइक दो ब्रांड लिखे होते हैं, गो गैस एंड गो गैस एलाइट। ये कंपनी के दो ब्रांड है जिसके जिस तरीके से देखा जाए, आप देख रहे हैं जहाँ पे ये इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है एंड उस पर लिखा जाता है गो गैस एंड गो गैस एलाइट, जहाँ पे इसका क्या है लाइक अलग अलग जगहों पे इसके लाइक बिजनेस होते हैं। एंड कंपनी की अगर आप और भी चीज़ें देखें, कंपनी का प्रोफाइल भी अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा खासा है कंपनी के लिए। देखा जाए इंडिया में नहीं, बाहर साइड में भी कंपनी के अच्छे खासे लाइक टाइप्स हैं अलग अलग कंपनी से भी इंडिया में, प्लस बाहर साइड में भी अगर आप देखें। सो ऑलरेडी जो है कंपनी जो है ये 22 स्टेट में क्या है ये अक्रॉस इंडिया, मीन्स अक्रॉस इंडिया प्लस इंडिया में भी 22 स्टेट में कंपनी क्या काम करती है, इसके एलपीजी स्टेशन है कंपनी के ये कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के। एंड अक्रॉस इंडिया देखा कंपनी के 1200 डीलर्स हैं क्रिप लाइक आफ्टर लाइक सॉरी लाइक इंडिया के बाहर भी कंपनी के अलग अलग लाइक ये हैं क्या बोलते हैं डीलर्स हैं जहाँ पे कंपनी क्या उनको अपना सिलेंडर जो है एक्सपोर्ट करती है कंपनी। सो बेसिकली कंपनी का प्रोफाइल है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे कंपनी का डेटा अगर आप यहाँ पे देखें, सो कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं 1800 करोड़ का दिया हुआ है, जो कि देखा जाए कंपनी का मार्केट कैप जो है बहुत ही अच्छा खासा दिया हुआ है। स्टॉक पी देखे 22.8 दिया है एंड इंडस्ट्री पी देखे 22.4, जो कि देखा जाए कंपनी जो है ओवर वैल्यूड जोन में भी ट्रेड हो रहा है, जो कि देखा जाए ओवर वैल्यूड पकड़ जहाँ पे देख सकते हैं, बट कंपनी का जो शेयर प्राइस है आपको 63.2 रुपीज में आपको मिल रहा है ये शेयर। एंड अगर आप इसमें लाइक 6 to 7 मंथ इन्वेस्टमेंट करोगे एक अच्छा खासा आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो, बिकॉज जिस तरीके से स्टॉक लगातार अब जा रहा है, जिस तरीके से क्वार्टर रिजल्ट जो पॉजिटिव आ रहे हैं, प्लस ईयरली वाइज जिस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसके हिसाब से कंपनी जो बहुत ही अच्छी खासी कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा खासा आप इसमें रिटर्न कमा सकते हो। नेक्स्ट वही अगर कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए, 17.8% का दिया हुआ यहाँ पे, वही देखा कंपनी का रिटर्न देखिए 40.6% का दिया, जो कि कंपनी इतना इतना प्रॉफिट एज जगह से कंपनी का इतना अर्न कर चुकी है। डेप्ट की बात की जाए 185 करोड़ का ही डेप्ट, जो कि देखा जाए कंपनी ने क्वार्टरली वाइज भी अपना जिस तरीके से कंपनी ने प्रॉफिट किया अपना जो है डेप्ट भी इसने रिड्यूस किया हुआ है। बुक वैल्यू देखिए 25.8 रुपीज दिया हुआ है, करंट प्राइस देखिए 63.2 रुपीज चल रहा है। वर्किंग कैपिटल की बात किया 340 करोड़ का कंपनी का वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, जो कि मेन पॉजिटिव में दिया माइनस में नहीं दिया, जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। प्लेस परसेंट की बात की जाए कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी जो अपना स्टेक प्लेस पे दिया 16.9% का। सो ऐसी बहुत सी कंपनीज जो अपना स्टेक प्लेस पे देती हैं बाद में ले भी लेती हैं।
सो लाइक ये नेगेटिव पॉइंट होता है, बट इसको पॉजिटिव वे में लेके चल सकते हैं। कंपनी का हाई देखे तो 89.6 रुपीज तक है, लो देखे 44.2। सो बेसिकली अगर ये 65 के अराउंड अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा खासा ये स्टॉक जो है अपसाइड जा सकता है। वो क्यों ब्रेकआउट 65 के आसपास देना चाहिए आपको एंड में बताऊंगी। एंड में आपको मैंने स्क्रीन शेयर किया पर टारगेट्स वगैरह मैंने लिखे हुए हैं, सो वहाँ पे आप कहाँ आपको एंट्री करनी वो भी आपको बता दूंगी। ओके, डिविडेंड की बात की जाए 0.60% कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। जिस हिसाब से कंपनी लाइक प्रॉफिट करी उतना डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी, बट मे बी हो सकता है आगे जाकर कंपनी अगर अच्छा खासा और प्रॉफिट करती तो अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको प्रोवाइड करेगी। पेस भी देखिए 1 रुपीज या प्रमोटिंग होल्डिंग देखिए 16.3% का दिया हुआ है। टोटल की बात कीजिए, टोटल कितना 1,220 करोड़ का दिया। और कंपनी के डेटा की बेसिस से बोलो, कंपनी में अगर आपको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए लाइक अगर आपको होल्डिंग करना है देन मैक्स टू मैक्स कम से कम 5 महीने भी अगर आप उसको होल्डिंग करोगे डेफिनेटली एक अच्छा खासा आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दिखेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखते हो तो डेफिनेटली और भी अच्छा रहेगा, आपको अच्छा खासा रिटर्न में भी दिखेगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे कि पीए कंपेरिजन की बात कीजिए। अगर आप यहाँ पे देखें सो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम कंपनी अभी लास्ट नंबर पर भी, उस कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है एज कम्पेयर टू बाकी कंपनी से। कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करी, क्वार्टर रिजल्ट्स भी अच्छे खासा, रिटर्न एम्प्लॉयड भी अच्छा खासा दिया, बेस्ट कंपनी है लाइक ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो आप इसमें लाइक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप ये देखें तो बहुत सी ऐसी कंपनी इसके कंपैरिजन में दी हुई है जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड करे, बट बाकी के अगर कंपनी के देखें शेयर प्राइस सो ऑलरेडी जो है कंपनी के बहुत लो प्राइस में शेयर मिलते थे, बट अभी देखें तो अच्छे खासे लाइक करंट प्राइस पे ट्रेड अभी हो रहे हैं शेयर। सो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम भी ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, आगे जाके मिड कैप कंपनी बन सकती है। तो हो सके तो अभी इसका शेयर बाइंग कीजिए, ऐड कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा फॉर दिस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए। नेक्स्ट आप एक कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कीजिए। अगर आप एक देखें सो कंपनी के अगर आप सेल्स देखें लास्ट के 3 क्वार्टर्स के, सो कंटिन्यूअसली कंपनी का जो सेल्स है बढ़ा। अगर आप दिसंबर 2022 का देखें 720 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा हुआ है अगर देखा जाए एज कंपेयर टू बाकी क्वार्टर से कंपेयर करें तो। एक्सपेंसिस भी सबसे ज़्यादा 662 करोड़ का, ओपन परसेंट देखिए 8% दिया है। देन वहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात कीजिए, 28 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि देखा जाए लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें सो 3 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट जो है बढ़ा है। सो कंपनी लाइक क्वार्टरली वाइज अच्छा खासा प्रॉफिट करी। अगर आप स्टार्टिंग से देखिए, यहाँ से अगर आप लाइक 15-22 से देखें तो 22 के हिसाब से अगर आप देखें तो अच्छा खासा इसने जो है प्रॉफिट जो अच्छा खासा इसने बना के रखा है लाइक क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो। सो क्वार्टरली वाइज अच्छा खासा प्रॉफिट अभी कंपनी कर रही है। कंपनी की अगर और भी चीज़ों की बात की जाए, जैसे कि मैंने बोला कि कंपनी ने एक्वायर किया 75% स्टेक इन सरजू इम्पैक्ट्स में, जहाँ पे कंपनी के स्टेक 75% है एंड कंपनी इस सेगमेंट में भी काम करती है। सो सीएनजी का देखें, सीएनजी कंपनी का अगर आप सॉरी सीएनजी डिविजन्स का अगर आप देखें सो कंपनी ने इसके लिए भी एग्रीमेंट साइन भी किया, किसके साथ में, गेल गैस एलईडी के साथ में, जो कि गेल का आपको पता है ऑलरेडी एक अच्छी खासी कंपनी गेल। सो इसके साथ में कंपनी ने एग्रीमेंट भी साइन किया। किस अगर देखा तो कंपनी ने कितना लाइक 100 सीएनजी स्टेशन सेटअप करने के लिए कंपनी ने गेल गैस के साथ लाइक एक एग्रीमेंट साइन किया 2022 में साइन किया था, जहाँ पे देखा कंपनी जो है बेंगलुरु प्लस कर्नाटका में कंपनी क्या है अपना एक 100 सीएनजी स्टेशन जो है बनाने वाली है, जाके बन भी गया अगर देखे तो। इसके कारण कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छे खासा मोमेंटम तो देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही। साथ में कंपनी ने एक और एग्रीमेंट साइन किया था MRU के साथ, मोबाइल रेफलिंग एंड यूनिट केयर कंपनी करके, जिसके कंपनी ने इनके साथ भी कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। तो कंपनी जो एग्रीमेंट साइन करती है कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण लाइक कैसे पॉजिटिव कुछ न्यूज़ निकल के आती, जिसके कारण कंपनी के शेयर प्राइस में लाइक बाइंग एक अच्छी खासी होती, जिसके कारण हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम को देखने को मिलता है। अगर कोई अच्छा खासा कोई होता जो बाइंग लाइक ब्लॉक ट्रेडिंग जो होती है अगर वो अच्छा खासा होता है, जिसके कारण का अच्छा खासा लाइक हमको जो ग्रीन कैंडल दिखता है उस टाइम पर लाइक बहुत से लोग बाइंग करते हैं एंड सडनली दूसरे दिन वो स्टॉक जो नीचे गिर भी जाता है। सो उस वैसे जब भी होता है तो उस टाइम पे आप बाइंग नहीं कीजिए, मेरे हिसाब से अगर आपको बोल रही हूँ मैं, एक प्रॉपर जो एक एंट्री बनती है वहाँ पर आप बाइंग कीजिए। अदरवाइज आप जैसे चलती गाड़ी में अगर आप बैठ जाओगे तो ऐसा भी होता है कि चलती गाड़ी में बैठ के गाड़ी रुक भी सकती है, वहाँ से नीचे भी आ सकती है। सो ये चीज़ ध्यान में रख के ही आपको एंट्री करनी है। नेक्स्ट चलते हैं अभी यहाँ पे, अगर हम देखे जाएं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी ईयरली वाइज कितना प्रॉफिट कर रही है।
ईयरली वाइज अगर कंपनी के एक्सपेंसेस देखे, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हुए हैं वो मार्च 2022 में, और कितना 1428 का। देन एक्सपेंसेस देखे 1242 करोड़ का हुआ है। ओपन परसेंटेज देखे 30% दिया है। देन यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स का देखे, अगर यहाँ पे देखे तो 116 करोड़ का दिया है, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे दिया हुआ है एज कम्पेयर के लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट भी देखे तो कितना 90 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है अगर कंपेयर कर लास्ट ईयर से, तो ओवरऑल कंपनी का 30 से 31 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट जो हुआ है, लाइक दुगना हुआ है। सो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है ईयरली वाइज प्लस क्वार्टरली वाइज। तो कंपनी शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म की अगर होल्डिंग करते हो, डेफिनेटली एक अच्छा खासा उसमें आपको रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट हमें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कीजिए। अगर आप जून सितंबर दिसंबर का यहाँ पे अगर आप प्रमोटिंग होल्डिंग देखें, तो कंटिन्यूअसली इसका बढ़ता गया है, जो कि मेरे बहुत ही पॉजिटिव में 16.26% का कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग दिया हुआ है। एफ आई शेयर में देखिए 2.89% दिया, डी आई शेयर में 0.74% दिया हुआ है, एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 36.10% का दिया, जो कि देखा जाए पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे कम हुआ है। बिकॉज कभी कभी शेयर अप जाता डाउन जाता है, उसके कारण पब्लिक के जो शेयर्स होते हैं वो कुछ लोग निकाल लेते हैं, बट अगर देखें तो कंपनी बहुत ही पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न दे सकती है। सो मेरे हिसाब से आप बाइंग कर सकते हैं। कहाँ पे को बाय करना वो आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पे कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम का बात की जाए, 63.2 पे इसका क्लोजिंग हुआ है मार्च अप्रैल को, 5 अप्रैल को, देन 0.32% नीचे गया था। सो अगर आप यहाँ पे देखें, जो मैंने यहाँ पे अगर शेयर की बात की जाए, एक अच्छा खासा यहाँ पे लाइक मोमेंटम एक अच्छा खासा यहाँ पे आया है। अगर यहाँ पे बात की जाए, सो अगर आप यहाँ पे देखें 65 के अराउंड यहाँ पे अगर आप ये आपको जो लेवल दिखना है, ये लेवल सबसे मेन लेवल है। जब भी यहाँ से एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा, सो आपको 65 के अराउंड को बाइंग करनी। यहाँ से जैसे एक ब्रेकआउट मिलेगा ना, ये 60 मीन 63 रुपये तो जाएगा ही जाएगा, साथ में जो है कि क्या है ये 67 तक जाएगा। सो सॉरी 60 नहीं, 60 तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, 65 से लाइक अराउंड ये 70 तक जाने के चांस, लास्ट में 75 तक ये शेयर जा सकता है, मीन्स यहाँ के लेवल तक। सो आपको ध्यान में रखकर आपको एंट्री बनानी है। तो 65 में बाइंग कीजिए, 67 का टारगेट रखिए। 67 का जैसे टारगेट तोड़ेगा ये 70 तक जाएगा जाएगा, एंड सपोर्ट आपको मेन जो लेके चलना है 55 का। 55 का ऑलरेडी इसने 2 बार इसने सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम अगर ये सपोर्ट तोड़ता है डेफिनेटली ये जो शेयर है ये भी 55 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 40 तक भी जा सकते हैं, लाख 30 रुपये तक भी जा सकते हैं। सो आपको प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट करनी है। सो मैंने तीनों लेवल मैंने मार्क कर दिए हुए हैं। सो आई थिंक सबके जो डाउट हैं क्लियर हो गए हैं। सो गाइस बिल्कुल लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।